कथी बा वहाँ आसान बा गुना लगल दे बढ़ गया दे पैसा उसका कोई दबा दी। अच्छा वहाँ कुछ रहता है? हाँ बस तो गाय नहीं हुआ। हाँ कथी रहा ले वहाँ ये नहीं। हाँ देवी ने रहले की धोख ने रहला देवी धोख। हाँ हमारे काका जी का कहना है कि देवी यहाँ पर रहती है धोख रहता है। धोख मतलब भूत। आम गाछी के आगे लो इसमें। ओ हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। ये मेरे जीवन का पहला ब्लॉग है। इस फेस से सभी अनजान होंगे, कोई पहचानता नहीं होगा, पहचानेगा भी कैसे, मैं कोई स्टार तो हूं नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। तो मैं हूं धनंजय तिवारी और मैं हूं बिहार में चंपारण से, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। मैं उसी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। तो मुझे आशा है कि अब आप मेरा पूरा परिचय जान गए होंगे। अब मुझे आपके परिचय का इंतज़ार रहेगा। आपका परिचय मुझे कैसे मिलेगा? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हमें लिखेंगे तो आपका परिचय मुझे मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरा फुल सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और लीजिए, मैं आ गया हूं यहां अपने खेत पे। खेत के बगल में एक नदी है जहां का पानी सूख चुका है और इधर नदी के किनारे बांस लगे हुए हैं। बांस में आ गया हूं। बहुत सुंदर लोकेशन है, देखने लायक लोकेशन है। वाह, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ के किसान लोग हैं, पराली जला रहे हैं। मक्का कट चुका है और मक्के का जो पराली है उसको जला रहे हैं और जला करके अपने खेत की सफाई कर रहे हैं। और इधर देखिए कितना सुंदर लोकेशन है, ये बांस लगा हुआ है। और इधर 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 अरे भाई, हमारे किसान सब जो हैं वो भैंस चरा रहे हैं। भैंस किसान लोग कुछ ज़्यादा मात्रा में उनके पास भैंसे हैं, भैंस को चरा रहे हैं। वहाँ मेरी बाइक खड़ी है और ये देखिए कितना सुंदर लोकेशन है। वहाँ पर भट्ठे की, जहाँ पर ईंट तैयार होता है, वह चिमनी है। और ऐसे आ जाइए, ये 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 लोकेशन है हमारा, बहुत ही सुंदर। इधर इधर बहुत बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड को भी आप देख सकते हैं। और इधर एक इसी में माता का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, माता जी का मंदिर है। आइए मैं आपको माता जी का दर्शन कराऊं अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा मंदिर है माता जी का, और इसके बगल में भी छोटे छोटे मंदिर हैं। ये आस्था जुड़ी हुई है, लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर लोकेशन है यहाँ का। और ये देखिए हमारे गाँव के भैंस चला रहे हैं, हमारे गांव से हैं उतनी दूर से, चलिए उनके नज़दीक चलते हैं। ये देख सकते हैं हमारे हैं गांव के काका जी और ये इनकी भैंसे हैं, भैंस चला रहे हैं। और काका हलवा ठीक बा? लीजिए, तो हम आ गए काके के पास। कुछ बोली, कुछ कहीं लोग के? हाँ बड़ी गए, कुछ सुनाई है लोग के? का होता ना आए केकर को जी रौरे को जी नू हो रौरे फोटो नू बा? हाँ तो कुछ कहीं लोग से का कहे के बा? कै किलो कर ले भैंसिया दूध? दूनू तो पाँच चार गो नू बा? ओ अच्छा, तो ये देख सकते हैं। आइए पंकज जी उधर बैठिए, आइए पंकज जी बैठिए। मैं हमारे हैं पंकज बाबू, ये भी आए हैं घूमने इधर। अब शाम होने वाला है। हाँ बोलिए।
रनर कैरलान 100 से 200 बरस के थे, 100 से 200 बरस, 100 15 बरस 20 बरस। हमारे बाबा जी के बारे में कह रहे हैं। हाँ, 120 बरस के। जगन्नाथ बाबा लाल 300 बरस एक सौ। हाँ, बहुत लंबा उम्र था उनका। जगन्नाथ बाबा की नौ से सब बाबा ने ना बाल बच्चा से एक रुपया ना वह दी है वह धरे रहने काम दे ल उतना काम मतलब अभी अपना किया केहू ना कोई दे उतना खर्चा। चलिए, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे काका जी? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं काका मेरे साथ हैं, और जिस स्थान पे हम अभी रिकॉर्ड करके आ रहे थे उसके बारे में बहुत पुरानी चर्चा करेंगे, बहुत सारे बातें बताएंगे हमारे काका जी। बोलिए, क्या है वहाँ पर कथी बाबू? वहाँ स्थान बाबा जी। अच्छा, वहाँ कुछ रहता है? हाँ, कथी रह ले वहाँ? देवी ने रहे की धोख न रहेला देवी धोख। हाँ, हमारे काका जी का कहना है कि देवी यहाँ पर रहती है, धोख रहता है। धोख मतलब भूत? आम गाछी के आगे लो है। अच्छा, आम गाछी भी एक जगह है जहाँ पर देवी रहती थी, वो शायद अब यहीं पर आ चुकी हैं। मेरे काका जी का कहना है सीताराम वहाँ ना रहे। हाँ बोले, सीताराम वहाँ रहे। हाँ, मार दिया उनको। खून देखिए, जगदीश भाई जी ना रहे। वाह, देखिए कितना सुंदर एक जानकारी मिला हमको। चलिए काका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले दिनों में मैं एक से एक वीडियो आपके पास लाऊंगा। अभी बहुत सारे लोकेशन हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जिसके बारे में आप अनजान हैं, तो वैसे वैसे वीडियो आपको मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और चलते चलते मेरी विनती यही है दोस्तों, कृपा बरसाए रखना है, सब्सक्राइब बटन दबाए रखना। जय हिंद।